लेडीज़ एंड जेंटमेन हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉड्यूल सेवन व्हिच इज़ इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब तक आपने देखा कि हमने ये सोचा समझा और थ्रेटिकल आइडियाज और हिस्टोरिकल आइडियाज़ से हमने ये uh, अंदाज़ा लगाया कि एंटरप्रेन्योर जो है रिस्क टेकर है कैपेसिटी बेरर है जिसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है या ये मोटिवेशन है इंट्रेंसिक मोटिवेशन है अंदर से आती है इन्वामेंट बनाती है मार्केट बनाती है या मार्केट स्पेस से आपको ये जो है स्टिमुलस क्रिएट होता है ये कैसे डेवलप होता है ये बिजनेस आइडियाज आते हैं या क्रिएटिव आइडियाज आते हैं या स्ट्रक्चरल आइडियाज आते हैं ये आइडियाज़ का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप या स्ट्रक्चर को फॉर्म देना और फॉर्म देकर बेनिफिट और प्रॉफिट हासिल करना आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही आ, और तरह से है जिसके ऊपर मैं क्रिटिकल आइडिया पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी इकोनॉमिक थेरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर रहूंगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस थेरी के जो पाइनियर्स uh, में से माना जाता है इनको जे एफ uh, और जे आर हैरिस को माना जाता है यानी 1992, और uh, 1962 और 1970 के अंदर दे रिगार्डेड एज इकोनॉमिक इंसेंटिव द मेन मोटिवेटर ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर अच्छा यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो पिछले हमने छः मॉड्यूल्स के अंदर देखी उसके अंदर ये बिल्कुल थोड़ी सी जुदा हैसियत इख्तियार करता है ये कहते हैं कि जब तक कोई सरकमस्टेंसेस बेहतर नहीं होंगे मतलब मुझे एक्सचेंज रेट बेहतर मिले डॉलर का रेट बेहतर मिले स्टेबिलिटी हो सस्टेनेबिलिटी हो मुझे गवर्नमेंट उसके अंदर जो है वो सब्सिडीज भी दे रही हो एक ख़ास माहौल हो और एक ख़ास माहौल के अंदर जो है वो मेरा बिजनेस लाइज ऑन डिवेलप हो पर्सनली uh, मुझे ये लगता है कि वो ये कहते हैं कि इन हालात के मुताबिक फेवरेबल सर्कमस्टेंस के अंदर ग्रोथ हो रही हो तो आंटरप्रन बेहतर काम करता है जो कि पर्सनली मैं इससे एग्री नहीं करता लेकिन आ, 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 पैपनिक और हैरिस जो हैं वो इस चीज़ को ऊपर उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की और उन्होंने कहा कि ये चार पांच चीज़ें जो हैं यानी इंटरेस्ट रेट का होना इकोनॉमिक ग्रोथ का होना सस्टेनेबिलिटी का होना और मार्केट के अंदर जो है वो एक खास माहौल का होना ये बड़ा जरूरी है और जब तक इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं मिलेंगे एक आंटरप्रन तैयार नहीं हो सकता आगे वो ये कहते हैं और उसके मजीद मजीदमेंट में कहते हैं कि वो टर्न टान होता है उसके अंदर यानी उसको जो स्मॉल इंटरप्राइज के लिए जो कुछ भी उसके इनिशियटिवस हैं वो मोटिवेट होकर उसको लार्ज इंटरप्राइज की तरफ लेके जाता है और वो ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तरफ जाता है अच्छा अब ये वो माहौल के अंदर जो डिस्कशन करते हैं ये इस तरह का माहौल है जिसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक काटल तैयार हो जाता है जिस तरीके से फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक माहौल तैयार हो जा सकता है आपने दो सुना होगा कि बिज़नेस ग्रुप्स होते हैं आपके आसानी के लिए एक एग्ज़ाम्पल मैं इंडिया से ले लेता हूँ जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मितल्स हैं आप फिर आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ के जो दिरभा अम्बानीज़ हैं बाकी जो हैं वो एक ख़ास जो है आप, आप, कुछ ज़ातें हैं जो एसोसिएट कर दी जाती हैं और मसलन एग्ज़ाम्पल के तौर पर कहते हैं गजरा गुजराती या मेवाती या मवराती ये जो जाते हैं ये अटैच कर दी जाती हैं बिज़नेस से इसी तरीके से पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मेमन एसोसिएट विद बिज़नेस फिर आप मुख्तलिफ और जातों में देख लें या चुनीस उनका जो इंडस्ट्रियस्ट ज़्यादा होते हैं तो इनके बारे में कहा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता ही एक इन्वॉर्नमेंट डेवलप करते हैं और जाहिर सी बात है जब ये ग्रुप्स बड़े होते हैं तो पोलिटिकल इंसेंटिवस भी मिल रहे होते हैं डायरेक्शनस भी मिल रही होती हैं रॉ मटेरियल एक्सचेंजेस भी बेहतर हो रही होती हैं सप्लाई एंड डिमांड का काम भी बेहतर हो रहा होता है और एक दूसरे से रिलेशन बिल्डिंग जो है और ताल्लुक जो है वो भी बेहतर हो रहे होते हैं आइडियाज़ बेहतर होते चले जाते हैं डिमांड का बेहतर आइडिया होता है और एक कम्युनिटी डेवलप हो जाती है जिसके अंदर से आपको ख़ुद से आइडिया आ जाता है कि आपको इकनॉमिक बेनिफिट्स कहाँ से लेने फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे लेदर जैकेट्स तैयार हो रही हैं तो उसके अंदर एक आंटरप्रनोर ने तैयार होना है उसके लिए आसान होगा जबकि जो एक आदमी उस माहौल में नहीं रह रहा मसलन जिपर्स बनाना शुरू कर दे सिर्फ जिप जो है वो चाइना से इम्पोर्ट करवाना शुरू कर दे या बटन्स मंगवाना शुरू कर दे या उससे रिलेटिव चीज़ें जो है स्पेयर पार्ट्स वगैरह बाकी चीज़ों के वो मंगवाना शुरू कर दे तो ये एक माहौल की तरफ डायरेक्शन देते हैं सो यहाँ पे पैपनिक साहब जो हैं इस थेरी को कहते हैं कि थेरी यूज थ्री बेसिक एजम्पन ऑफ आंटरप्रनोरियल बिहेवियर इसके बिहेवियर के बारे में यहाँ पर जो डिस्कशन हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आ, पहला मैं आपको बताऊंगा जी इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंसेंटिव ग्रोथ लिंकेज बिटवीन इकोनॉमिक गेन एंड इनर अर्ज अच्छा इनर अर्ज के बारे में इन्होंने एडिशन किए लेकिन इनर अर्ज जो है जब एक खास माहौल में आप रहेंगे तो ऑब्वियसली जो है आपने सुना होगा कि मंडी में बैठने वाले का बेटा जब छोटा सा होता है तो साथ ही जाता है

वो ग्रोथ और बेनिफिट की तरफ जाते हैं तो पैपनिक और हैरस जो यहाँ पर कह रहे हैं वो ये बेसिकली कहते हैं कि जो आइडियाज़ हैं आपके वो स्टिमुलेट होते हैं लेकिन उसके लिए खास माहौल की ज़रूरत है लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहता हूँ कि सर्टन आई, आपको आइडियाज़ या सर्टन माहौल आपको ग्रोथ का माहौल आपको एक्सचेंज रेट का माहौल आपको मार्केट स्पेस का माहौल आपको कौन आराम से आने देगा सर्टेनिटी so, जो है वो एक खास माहौल के लोगों के लिए एंटरप्रेन्योर डिफरेंट है और एक इंडिविजुअल आदमी एक नई एम्पायर और नई मार्केट के अंदर जब वो जाता है तो उसको उतनी ही रेजिस्टेंस मिलती है और उसको कोई नहीं आने देगा उस मार्केट के अंदर ये बात एक एंटरप्रेन्योर को जहन में रखनी चाहिए बहरहाल ये जो इकोनॉमिक थ्योरी है ये उन लोगों के लिए है जो एस्टैब्लिश आंटरप्रेन्योर है तो हम उसके लिए ये एग्री कर सकते हैं सो दिस इज वॉट अबाउट ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स Uh, yeah, economic theory of entrepreneurship uh, which has been argued um, by the Papnick and Harris. Thank you very much. We will meet in the next module. Thank you very much.